बच्चों आज हम टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस बताया था, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स के बारे में बताया था। आज हम इसके बाद में जो है इसकी अगली वाली स्टेज के लिए बात कर रहे हैं और अगले जो हम इसमें जो है स्टडी करने वाले हैं स्टॉक लेवल्स के बाद में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक जो है टर्म है जो कि री ऑर्डर क्वांटिटी हमें देने के लिए, नया ऑर्डर मंगवाने के लिए हमें ऐसे ही लेवल डिसाइड करनी पड़ती है जिसमें मैक्सिमम इकोनॉमी रहे, हमारे चार्जेस कम से कम लगे और हम एक ऑप्टिमम लेवल पर जो है मिनिमम कॉस्ट पर अपने सामान को मंगा सकें। तो इसके लिए हमारे पास में जो है टू टाइप की कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी, तो ऑर्डर कॉस्ट होगी और दूसरी कैरिंग कॉस्ट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो थी एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो इसके अंतर्गत आएगी। कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड इन द परचेसिंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन सेक्शन एंड पेमेंट डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस जो भी लगते हैं, ये सब खर्चे जो हमें देखने होंगे कि डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट है, टेंडर कॉस्ट है, एवल्यूशन कॉस्ट है, कोटेशन की कॉस्ट है, पेपर वर्क की कॉस्ट है, पोस्टेज की कॉस्ट है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, इसको इसमें लिया जाएगा। कैरिंग कॉस्ट के अंतर्गत जो है हम डिफरेंट टाइप की जो है कॉस्ट ऐसी लेंगे जो कि मेंटेनिंग मटेरियल के लिए कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, स्पॉइलेज इन स्टोरेज पे लगती है, ऑब्सोलेंस की कॉस्ट लगती है, क्लेरिकल कॉस्ट लगती है, इंश्योरेंस कॉस्ट लगती है, तो ये सब कॉस्ट इसके अंतर्गत ली जाएगी। तो हम जो है हमें देखना होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करें, डिसाइड करेंगे कि किस लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होती है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहती है। तो इसके लिए जो बच्चों हैं हमने कहना इसका हमें क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैंने बताया। इसमें एजम्पशंस हम इसमें लेते हैं कि प्राइसेस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेंगी और डायनेमिक कंडीशंस ऑफ सप्लाई, जैसे कि हम जब सप्लाई करेंगे तो वो कंडीशंस भी नॉर्मल रहेंगी, परचेस प्राइस मटेरियल की कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ये हमें एजम्पशंस मान करके डिसाइड करना होता है। तो ईओ की हम जो है यहाँ पर निकालते हैं और ये जो है यहाँ पर जो है ईओ जो है अलग अलग जो है हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ईओ को, और ईओ का हम इसकी जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2AI/UE। और इसके बाद जो है नेक्स्ट एप्लिक हम बढ़ते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये जो है अलग अलग नियमित रूप से जो है कंट्रोल करने के लिए सिस्टम ऑफ कंट्रोल कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ रिसीप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स मेंटेन्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट कैसे स्टोर कर रहा है, फिजिकल चेकिंग ऑफ इसका स्टोर कैसे रहता है, रिकॉर्ड से, बिन कार्ड से, स्टोर लेजर से जो है उसको अलग अलग तरीके से जो है स्टोर किया हुआ चेक किया जाएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अपनाते हुए इसके अंतर्गत बिन कार्ड्स रखे जाते हैं, अलग अलग जो बिन बनाए जाते हैं बच्चों उनके ऊपर कार्ड्स लगाए जाते हैं, रिकॉन्सिलेशन ऑफ क्वांटिटी जो है वो चेक किया जाता है, फिजिकल बैलेंस ऑफ चेकिंग किया जाता है नंबर ऑफ आइटम्स का, और रिमूविंग द कॉजेज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ये सब इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। तो ये आज हमने सीखा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कैसे जो हम फॉलो करेंगे। सिस्टम और रिकॉर्ड मेंटेन बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है ना, फिजिकल जो है मूवमेंट ऑफ स्टॉक और जो उसका करंट बैलेंस है उसको चेक करके जो है बनाया जाता है। और दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। धन्यवाद।